भूख लगी है राधे। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा भूख लगी है मुझे राधा, मन कर रहा है कि कहीं से खीर मिल जाए। खीर? तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको और बड़े भैया की निगरानी करो, तब तक मैं अपने लिए पेट पूजा का प्रबंध करके आता हूं। यहीं रुको। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करना ऋषिवर, आप प्रतिदिन मुझे भोग लगाते हैं और आज मैं बिना बताए ही स्वयं भोग ले जा रहा हूं। रात्रि में कर्जदनी के लिए क्षमा कर देना गौ माता, और आपके पुत्र को भी भूख लगी है। खीर के लिए दूध और धान का प्रबंध तो हो गया, किंतु इसे मीठी कैसे बनाया जाए? अब माँ के मन से अधिक मिठास कहाँ मिलेगी? अब मिठास का प्रबंध धरती माँ करेगी। अपने गर्भ में पले कंद से देखो, खीर बनाने का प्रबंध हो गया है। अभी बस पकाना शेष है। लो, अग्निदेव भी प्रसन्न हो गए, अब तो मेरी भूख मिटने का प्रबंध हो ही जाएगा। सरल नहीं है धान को बाहर निकालना। श्वेत निकल आता है, किंतु पसीना बहाकर जो भोजन मिले उसे खाने का आनंद ही कुछ और है। क्यों? अब तक तो तुम्हें भी भूख लग गई होगी राधा, कहो तो तुम्हारे लिए भी बना दूं। कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूं, मुझे भूख नहीं है। तुम्हारी इच्छा।
क्या सुगंध आ रही है खीर में। बहुत अच्छी खीर बनने वाली है। लो ये हुई खीर सज्ज। बस करो राधा, अब खा लो ना। मुझे ज्ञात है तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसलिए विशेषकर तुम्हारे लिए मैंने ये खीर बनाई है। राधा खा लो ना। जिस मायावी ने अपनी माया से एक बंजर भूमि को सुंदर वन में बदल दिया हो, न जाने उस मायावी की खीर में क्या माया होगी। मुझे नहीं खानी ये खीर। अच्छा माना ये वृक्ष ये झरने माया हो सकता है, चलो ये भी मान लिया कि मेरे आधे कार्य माया से उत्पन्न हुए, किंतु ये खीर माया भी नहीं है राधा। मैंने स्वयं अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है, परिश्रम से। खा लो ना। हर पल रंग बदलते गिरगिट पर एक क्षण के लिए विश्वास कर लूंगी कृष्ण, किंतु तुम पे मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। यदि ये खीर माया भी नहीं है तो तुम इसे क्यों नहीं खा रहे हो। कृष्ण का भोग तो राधा के स्पर्श से होता है ना राधे। अच्छा मुझे कुछ याद आया, पकड़ो पकड़ो शीघ्र पकड़ो इसे, पकड़ो ना राधा। मैया को ज्ञात हुआ तो मैया मुझे डांटेंगी। मैं तनिक हाथ धोकर आता हूं, तब तक तुम इनके साथ साथ मेरी खीर की भी रक्षा करना, ठीक है। कितना विचित्र है, खीर बनाते समय हाथ धोए नहीं और खाने से पहले हाथ धोने गए। धोंगी कहीं का। हेलो राधा, ये खीर तुम्हारे लिए ही तो बनाई है। उत्तम, खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट बनी है। क्या है ये? पहले तुमने मेरी बनाई खीर को हाथ लगाने से भी मना कर दिया और फिर सारी की सारी खीर तुम स्वयं खा गए।
नहीं, क्या है ये बताओ? भूख लगी, मैं क्या करूं? मैंने पहले पूछा था ना तुमसे, यदि खाना है तो बोल दो, मैं तुम्हारे लिए बना देता ना। हाँ क्या? यदि इतनी भूख लगी ही थी तो ऐसा व्यर्थ का अभिनय क्यों किया तुमने? बोल देती। क्या राधा, सारी की सारी खा ली तुमने? थोड़ी भी नहीं छोड़ी? ठीक है, कोई बात नहीं, दो नहीं तो एक की ही से, किंतु भूख तो शांत हुई। खा लो, ये भी खा लो तुम। मैं क्या, मैं तो जल पीकर सो जाऊंगा। अंतिम ग्रास दे देती, किंतु ये झूठा है। तुम ही तो कहती हो ना, कान्हा झूठा है, तो फिर झूठे को झूठा खाने में लज्जा कैसे? रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना, जहां देखूं तुमको ही पाऊं मैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, क्षमा करना कृष्ण, मैंने तुम्हारी सारी खीर खा ली और तुम्हारे लिए बस अंतिम ग्रास ही शेष बचा। मेरा इसी में पेट भर गया राधा, तृप्ति हो गई। वर्षों पश्चात आज पेट भरा है राधा। तुम उचित ही कह रहे थे कृष्ण, ये वृक्ष, ये झरने सब माया हो सकते हैं। मेरे अनुसार तुम्हारा किया प्रत्येक कर्म माया हो सकता है, किंतु ये खीर माया नहीं हो सकती।